सुनिएगा ध्यान से, किसका बात कर रहे भाई? अकाउंटिंग रेशियो। किसका बात कर रहे हैं? अकाउंटिंग रेशियो से 20 मार्क का क्वेश्चन आएगा, एक 10 मार्क, एक 5 मार्क का और एक 15 मार्क का। 5 मार्क का छोटा सा और एक 15 मार्क का बड़ा, 5 मार्क का छोटा, 15 मार्क का बड़ा। समझ गए क्या बोलो? क्लियर। अब सबसे पहले रेशियो क्या होता है? रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन टू फिगर, दो डेटा के संबंध को रेशियो कहते हैं। इट में बी एक्सप्रेस इन परसेंटेज और एनी अदर फॉर्म। इसको परसेंटेज में भी दिखा सकते हैं और दूसरे फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, परसेंटेज में भी दिखा सकते हैं और दूसरे फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि अकाउंट्स में रेशियो क्यों बनाते हैं? अकाउंट्स में रेशियो इसलिए बनाते हैं ताकि अकाउंटिंग डेटा को हम लोग रेशियो में शो कर सकें। अकाउंटिंग डेटा को हम रेशियो में क्या कर सकें? शो कर सकें कि 10% प्रॉफिट हुआ है, 20% हुआ है। ये क्या है? रेशियो है। ये क्या है भाई? समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? क्लियर। सुनिए, करेंट रेशियो का आइडियल होता है 2:1। करेंट रेशियो का आइडियल कितना होता है? और क्विक का आइडियल होता है 1:1। आइडियल मैंने समझते आदर्श, माने करेंट रेशियो 2:1 से कम नहीं होना चाहिए। 2:1 मैंने समझ पा रहे हैं, दो गुना पैसा आएगा और एक गुना पैसा जाएगा, दो गुना पैसा आएगा और एक गुना पैसा जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसी को हम कहते हैं आइडियल। तो करेंट रेशियो का आइडियल कितना? 2:1, दोस्तों दो गुना पैसा आएगा और एक गुना पैसा। और क्विक रेशियो का आइडियल है 1:1, 1:1, जितना पैसा आएगा उतना ही पैसा जाएगा, जितना पैसा आएगा उतना पैसा जाएगा। समझ गए? अब मान लीजिए करेंट रेशियो किसी का दो गुना पैसा आ रहा है और एक गुना जा रहा है, यहाँ तक है, इससे यानी परिस्थिति अच्छा है, डूबेगा नहीं। समझ पा रहे? और किसी का दो गुना पैसा आ रहा है, तीन गुना पैसा जा रहा है, माने वो मर जाएगा। समझे क्या बोले? अब 1:1 में जितना आया उतना ही गया, 10,000 आया तो 10,000 गया, ये भी ठीक ही है। तो क्विक का आइडल होता है 1:1, करेंट का आइडल कितना होता है? रेशियो चार तरीका का होता है, रेशियो चार तरीका का होता है। चार तरीका से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर रेशियो तीन तरीका का होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर रेशियो तीन तरीका का होता है, पीएल रेशियो, बैलेंस शीट रेशियो, कंबाइंड रेशियो, जिसको मिक्स रेशियो कहते हैं। पीएल रेशियो, बैलेंस शीट रेशियो और कौन सा रेशियो भाई? कंबाइंड रेशियो, जिसको क्या कहते हैं? मिक्स रेशियो। क्या कहते हैं भाई? पीएल रेशियो का मतलब होता है कि दोनों का दोनों बैलेंस कहाँ से लिए? पीएल से। दोनों का दोनों बैलेंस कहाँ से लिए? पीएल से। दोनों का दोनों बैलेंस जब पीएल से लिए उसको कौन सा रेशियो कहते हैं? पीएल रेशियो। कौन सा रेशियो? दोनों का दोनों बैलेंस जब हम बैलेंस शीट से लेंगे उसको क्या कहते हैं? बैलेंस शीट रेशियो। क्या कहते हैं भाई? और एक होता है कंबाइंड रेशियो, जिसको कहते हैं मिक्स रेशियो। एक तो बैलेंस पीएल से लेंगे, एक तो बैलेंस बैलेंस शीट से लेंगे, एक पीएल से, एक तो बैलेंस शीट से, एक तो पीएल से, एक तो, इसको कहते हैं मिक्स रेशियो। क्या कहते हैं? तो जब दोनों बैलेंस पीएल से लेंगे उसको कौन सा रेशियो? पीएल रेशियो। जब दोनों बैलेंस हम बैलेंस शीट से लेंगे उसको कौन सा रेशियो? बैलेंस शीट रेशियो। जब दोनों बैलेंस, समझ पा रहे हैं, पीएल से लेंगे तो कौन सा रेशियो? पीएल, बैलेंस शीट से लेंगे तो बैलेंस शीट, और मिक्स किसको कहेंगे? एक तो पीएल, एक तो बैलेंस शीट, एक तो पीएल, एक तो, इसको हम कहते हैं मिक्स रेशियो। क्लियर है क्या? पक्का? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए। एक्टिविटी के आधार पर रेशियो चार तरीका का है। एक्टिविटी के आधार पर रेशियो कितना तरीका का है? चार तरीका का। पहला कौन सा रेशियो भाई? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। दूसरा कौन सा रेशियो? लिक्विडिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सर क्या? सॉल्वेंसी रेशियो। और एक्टिविटी रेशियो या इसको कहते हैं टर्नओवर रेशियो, है ना? सुनिएगा ध्यान से, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का मतलब होता है प्रॉफिट को इंडिकेट करेगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो किसको इंडिकेट करेगा? जैसे ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो एग्जाम में कभी कभी बोलता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालिए, यानी ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आपको निकाल देना है। बोलेगा डिटरमाइन लिक्विडिटी रेशियो, माने करेंट रेशियो, क्विक रेशियो। करेंट रेशियो, नहीं तो डायरेक्ट बोलेगा ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, नेट प्रॉफिट निकालो, करेंट रेशियो निकालो, क्विक रेशियो निकालो, आने तो ऐसे बोल देगा। एक बार पूछा था ऐसा क्वेश्चन, समझ पा रहे? उसके बाद देखिए क्या, डिटरमाइन सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी का मतलब पोजीशन कैसा है? जैसे डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी लोन और आपका पैसा कितना है, इसको कहते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। क्या कहते हैं? डिटरमाइन एक्टिविटी रेशियो, या इसे कहते हैं टर्नओवर रेशियो। जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, इसको कहते हैं एक्टिविटी रेशियो। क्या कहते हैं? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर रेशियो कितना तरीका का है? नहीं, तीन तरीका। पीएल रेशियो, बैलेंस शीट रेशियो, कंबाइंड रेशियो। पीएल रेशियो का एग्जांपल है ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, बैलेंस शीट का एग्जांपल है करंट रेशियो, क्विक रेशियो। करंट रेशियो, क्विक रेशियो। और कंबाइंड का एग्जांपल है डेब्ट इक्विटी रेशियो। क्या है भाई? समझ पा रहे? स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो माने एक तो पीएल से, एक तो बैलेंस शीट से। डेब्ट इक्विटी नहीं, दोनों बैलेंस शीट से हो जाएगा।
स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, एक तो पीएलसी एक तो बैलेंस शीट से, किसका एग्जांपल है ये कंबाइंड रेशियो, किसका ये भी लिखवा देंगे सही जाएगा ताकि नॉलेज में रहेगा तो सही रहेगा। एक्टिविटी के हिसाब से रेशियो चार तरीका का होता है, प्रॉफिटेबिलिटी माने ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट, लिक्विडिटी माने करेंट रेशियो क्विक रेशियो, और सॉल्वेंसी माने डेप्ट इक्विटी रेशियो, और आपका एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर माने वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, डेटा टर्नओवर, समझ पा रहे इस तरीके का। समझ रहे क्या बोले कि नहीं समझ रहे, क्लियर है? आगे बने हम लोग, सुनिए ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। अब हमें बनाना है, ये एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, ट्रेडिंग एंड पीएल आपको दिए हैं, बैलेंस शीट आपको दिए हैं, ये सब निकालना है, ठीक है? पहला क्या है भाई, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, पहला क्या है तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में सबसे पहले हम क्या बोले, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, क्या बोले हैं? सुनिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है जीपी डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100, जीपी डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100, बताइए जीपी कहां कितना दिखाई दे रहा है, 9 लाख, नेट सेल कितना दिखाई दे रहा है, 10 लाख, तो 9 लाख जीपी है, नेट सेल है 10 लाख, इनटू 100 माना कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 90%, कितना परसेंट, क्लियर है क्या? अब हम लोग को दो नंबर क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट रेशियो, क्या निकालना है, ये चल क्या रहा है भाई, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, क्या चल रहा है, अब प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बोलकर डायरेक्ट बोलेगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालो तो ऐसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालो तो ऐसे निकालेंगे, नहीं समझे, समझ रहे आप लोग, प्रॉफिटेबिलिटी पापा का नाम पूछ लिया डायरेक्ट, नहीं समझे, तो दोनों निकाल देंगे, जब बोलेगा ग्रॉस प्रॉफिट तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, नेट प्रॉफिट बोलेगा तो नेट प्रॉफिट निकालेंगे, समझ रहे क्या बोल रहे, ये देखिए तो नेट प्रॉफिट रेशियो का क्या फॉर्मूला सुनिए, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100, नेट प्रॉफिट कितना भाई 6 लाख, नेट सेल कितना 10 लाख, इनटू 100 कितना हो रहा 60%, सब लाख में बैलेंस है, सब लाख में, तो 6 लाख इनटू 100 डिवाइड बाय 10 लाख, 6 लाख इनटू 100 डिवाइड बाय 10 लाख कितना हो गया 60%, कितना हो गया 60%। आगे बढ़े, क्लियर है क्या? तो पहला कौन सा रेशियो है भाई, पहला प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, तो एक नंबर हेडिंग दे देंगे ऐसे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में दो चीज निकला, पहला क्या जीपी रेशियो, दूसरा नेट प्रॉफिट रेशियो, क्लियर? दूसरा निकालेंगे हम लोग कौन सा रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो बोलेगा तो दो चीज निकालेंगे, आगे ही बोल दिए कौन कौन सा, करेंट रेशियो, क्विक रेशियो, और पूछेगा करेंट और क्विक, तो करेंट और क्विक बनाना है डायरेक्ट, तो करेंट रेशियो, करेंट रेशियो फॉर्मूला है करेंट एसेट डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी, करेंट एसेट कितना है ये देख पा रहे हैं, तो करेंट एसेट को जोड़ लेते हैं, करेंट एसेट कितना है 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, करेंट एसेट ये होता है, देखो हेडिंग तो दिया हुआ है, करेंट एसेट याद कर लो, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, डेटा, प्रीपेड कैश, ये सब होता है, ये सब होता है, समझ पा रहे, जोड़ लो 2 लाख, 2 लाख, 4 लाख, और 6, 6, 7, 7, 3, 10, 10, करेंट एसेट 10, करेंट लायबिलिटी ये हेडिंग दिया हुआ, करेंट लायबिलिटी तो करेंट लायबिलिटी ये सब होता है, क्रेडिटर कितना 1 लाख, बिल्स रिसीवेबल 1 लाख, आउटस्टैंडिंग 1 लाख, ओवरड्राफ्ट 1 लाख, तो 1 लाख 1 लाख कितना हो रहा है 4 लाख, 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख, है ना, तो कितना हो रहा है 1, 2, 3, 4, 4, है ना, तो करेंट रेशियो कितना है, करेंट एसेट कितना 10 लाख, और करेंट लायबिलिटी कितना है 4 लाख, थोड़ा डिवाइड करें तो कितना हो रहा है 10 लाख डिवाइड बाय 4 लाख, 10 लाख डिवाइड बाय 4 लाख करिए तो 10 लाख डिवाइड बाय 4 लाख, 10 लाख डिवाइड बाय 4 कितना हो रहा है 2.5 is to 1, 2.5 is to 1 खुद से लगा देंगे, माने डिवाइड किए इस टू वन खुद से लगा देंगे, इस टू वन ये कौन सा रेशियो हुआ, करेंट रेशियो, कौन सा, हाँ करेंट रेशियो, क्यूक रेशियो निकालने में इस टू वन खुद से लगाए, करेंट रेशियो, फिर कौन सा रेशियो भाई, क्यूक रेशियो, क्यूक रेशियो का फॉर्मूला करेंट एसेट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस, करेंट एसेट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी माइनस बैंक लायबिलिटी, हम क्या कर रहे हैं भाई, आपको सम भी करा रहे हैं फॉर्मूला भी करा रहे हैं ताकि आपको दोनों चीज क्लियर हो, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे, करेंट एसेट कितना दिया हुआ भाई 10 लाख,
करेंट एसेट कितना है 10 लाख, 10 लाख माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस, स्टॉक प्लस रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं, पहला कौन सा रेशियो भाई प्रॉफिट एवरेज, कौन सा प्रॉफिट एवरेज, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला जीपी डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100, जीपी कितना देखो तो 9 लाख, सेल कितना 10 लाख, तो 9 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इनटू 100, नेट प्रॉफिट रेशियो का क्या फार्मूला, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100, नेट प्रॉफिट कितना है 6 लाख, नेट सेल कितना 10 लाख इनटू 100, तो 6 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इनटू 100, लिक्विडिटी रेशियो का क्या फार्मूला, करंट रेशियो, तो करंट रेशियो का फार्मूला करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, करंट एसेट के लिए सब आइटम जोड़ देते हैं, स्टॉक बिल्स रिसीवेबल डेटर प्रीपेड एक्सपेंस कैश, ये सब होता है करंट एसेट, करंट लायबिलिटी ये सब होता है क्रेडिटर बिल्स रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बैंक ओवरड्राफ्ट, जोड़ दिए इसको, जोड़ दिए इसको, जोड़ दिए, तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी, करंट एसेट 10 लाख, करंट लायबिलिटी 4 लाख, 10 लाख डिवाइड बाय 4 लाख कितना हो रहा 2.5:1 में लगा देंगे, 2.5:1 के लिए नेक्स्ट है क्विक रेशियो, क्विक रेशियो कैसे निकलेगा, करेंट एसेट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना, तो करेंट एसेट कितना है 10 लाख, स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस, स्टॉक कितना है 2 लाख, प्रीपेड एक्सपेंस कितना 1 लाख, है ना, करेंट लायबिलिटी कितना है 4 लाख, बैंक ओवरड्राफ्ट रहेगा तो लेस, नहीं रहेगा तो नहीं लेस, रहेगा तो लेस, नहीं रहेगा तो नहीं, तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना 1 लाख, तो कितना हो रहा भाई 10 लाख में से 3 लाख जाएगा 7 लाख डिवाइड बाय 3 लाख, 7 डिवाइड बाय 2.33:1, क्लियर है क्या, आगे बारे में बोलिए, आगे बारे नेक्स्ट हम लोग को क्या निकालना भाई, डिटरमाइन सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो में कैसे निकालते हैं, डेट इक्विटी रेशियो, बोले क्या बोले, डेट इक्विटी रेशियो, तो निकालते हैं क्या भाई सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो में एक ही चीज निकालते हैं, क्या चीज हम लोग, डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेट प्लस शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शेयर होल्डर, बात नहीं, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म डेट में आता है डिबेंचर प्लस लोन, लॉन्ग टर्म डेट में क्या आता है, लॉन्ग टर्म डेट में आता है डिबेंचर प्लस लोन, और शेयर होल्डर फंड में आता है शेयर होल्डर फंड में आता है कैपिटल, माने जो भी इक्विटी सर कैपिटल जो भी हो, प्लस रिजर्व, कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ये कर देने से क्या आता है शेयर होल्डर फंड, क्या आता भाई, तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म डेप्ट में एक ही चीज दिया हुआ है, देखिए लॉन्ग टर्म डेप्ट में एक ही चीज दिया हुआ है लोन, क्या दिया हुआ है लोन, कितना है 2 लाख, लोन कितना है 2 लाख, तो 2 लाख लिख दो, और शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में क्या चाहिए, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व माइनस प्रीलिमिनरी, तो प्रीलिमिनरी है नहीं, तो कैपिटल कितना 5 लाख, रिजर्व कितना 3 लाख, तो 5 और 3 8 लाख, 2 डिवाइड बाय 8 कितना हो रहा है, 2 डिवाइड बाय 8 कितना हो रहा है 0.25, ये क्या निकल गया भाई, कौन सा रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, कौन सा रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, क्लियर सर, इसमें वो नहीं लगेगा, इस टू वन लगेगा, जगह नहीं है, इस टू वन नीचे लगा दीजिए सर, ठीक है 0.25:1 के लिए, अब क्या निकालना भाई, एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर, जगह नहीं है जल्दी से कॉपी करें, एक्टिविटी रेशियो में सबसे पहला हम लोग निकाल रहे हैं वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, सुन रहे हैं, करंट एसेट माइनस करंट एसेट, अभी भी जोड़ के निकाले थे 10 लाख, और करंट लायबिलिटी कितने जोड़े थे 4 लाख, घटा दो कितना हुआ 6 लाख, अगर आपसे पूछ लिया गया कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बनाइए, वर्किंग कैपिटल
वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो पूछ लिया गया, तो टर्नओवर ऊपर वर्किंग कैपिटल नीचे, टर्नओवर ऊपर वर्किंग कैपिटल नीचे, टर्नओवर माने सेल्स होता है, टर्नओवर ऊपर माने 10 लाख सेल्स, वर्किंग कैपिटल 6 लाख, कितना वाला डिवाइड करिए तो 6 लाख डिवाइड बाई 10 लाख डिवाइड बाई 6 लाख, 10 लाख डिवाइड बाई 6 लाख 10 डिवाइड बाई 6 1.67 टाइम्स, ये हुआ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, हो गया? यस सर। नेक्स्ट हम लोग का डेटा टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज डेटा, क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज डेटा, क्रेडिट सेल माने सेल, क्रेडिट सेल माने सेल, एवरेज डेटा माने डेटा, एवरेज डेटा हाथ हाथ स्टॉप पे लिखता है, टर्नओवर का आंसर टाइम्स में लिखते हैं, टर्नओवर माने सेल होता है, टर्नओवर माने सेल, तो टर्नओवर का आंसर टाइम्स में लिखते हैं जो भी टर्नओवर है, ठीक है? तो देखिए क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज डेटा, क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज डेटा, क्रेडिट सेल माने सेल कितना है 10 लाख, और एवरेज डेटा माने डेटा कितना है 2 लाख, तो कितना हो रहा 5 टाइम्स है ना। और फिर क्या हम लोग का क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर, क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर, क्रेडिट परचेज कितना भाई 5 लाख, और एवरेज क्रेडिटर माने क्या, क्रेडिटर कितना 1 लाख, क्रेडिटर कितना 1 लाख, और परचेज कितना 5 लाख, परचेज कितना 5 लाख, क्रेडिटर कितना 1 लाख, तो 5 लाख डिवाइड बाय 1 लाख कितना हो रहा 5 टाइम्स, ये हुआ क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, क्लियर? नेक्स्ट हम लोगों का सुन लीजिए फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो निकालने का तरीका है टर्नओवर ऊपर फिक्स एसेट नीचे, टर्नओवर माने सेल होता है, टर्नओवर ऊपर फिक्स एसेट नीचे, टर्नओवर कितना दिया हुआ भाई 10 लाख, और फिक्स एसेट कितना 4 लाख, कितना हो रहा 10 लाख डिवाइड बाय 4 कितना हो रहा 2.5 हो गया। चले नेक्स्ट स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा सेल्स माइनस जीपी, सेल्स माइनस जीपी, सेल कितना 10 लाख और जीपी है 9 लाख, 1 लाख हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एवरेज स्टॉक कैसे आएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, एवरेज स्टॉक आता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, ऐसा करके आता है। ओपनिंग स्टॉक कितना है 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख, 6 लाख डिवाइड बाय 2 3 लाख, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स 1 लाख एवरेज स्टॉक 3 लाख कितना हो रहा करिए 0.33 टाइम्स, क्लियर? समझा दे रहे, रिपीट कर रहे। पहला क्या भाई वर्किंग कैपिटल, पहला क्या कैसे निकलेगा करेंट एसेट माइनस करेंट एसेट दिया हुआ 10 लाख, करेंट लायबिलिटी कितना दिया हुआ 4 लाख, घटा दीजिए। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर कैसे निकलेगा टर्नओवर डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, टर्नओवर डिवाइड बाय टर्नओवर माने सेल 10 लाख, वर्किंग कैपिटल कितना भाई 6 लाख, 10 लाख डिवाइड बाय 6। डेटा टर्नओवर से कैसे निकलेगा क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज डेटा, क्रेडिट सेल माने सेल कितना 10 लाख, और एवरेज डेटा माने डेटा कितना भाई 2 लाख, 10 लाख डिवाइड बाय 2 लाख कितना 5 टाइम्स। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का मतलब क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर, क्रेडिट परचेज माने परचेज कितना 5 लाख, और एवरेज क्रेडिटर कितना माने एवरेज क्रेडिटर माने क्रेडिटर 1 लाख, तो 5 लाख डिवाइड बाय 1 लाख कितना हो रहा 5 टाइम्स। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगा टर्नओवर डिवाइड बाय फिक्स एसेट, टर्नओवर माने सेल कितना भाई 10 लाख, फिक्स एसेट 4 लाख डिवाइड बाय
स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा, सेल्स माइनस जीपी, सेल्स माइनस जीपी, सेल कितना दिया हुआ 10 लाख, जीपी कितना है 9 लाख, आपको समझ में आ रहा है ना, तो 10 लाख माइनस 9 लाख कितना हुआ 1 लाख। एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2, तो ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख, तो 1 + 5 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ 3 लाख। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 लाख, एवरेज स्टॉक 3 लाख, डिवाइड मार दो 0.33 टाइम्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, कॉपी बुक का जितना सम है उसको बना के लाइएगा, यही होमवर्क है, इसको रीडू कर लेना है और बुक में जो बनेगा वो बना के लेना। हाँ, फॉर्मूला बेस है, बुक में हम लोगों का जो है जितना बनेगा बना के लाना है और इसको रीडू कर लेना है, यही होमवर्क है।